ब्यूटीफुल जर्नी। यार तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब इतना सपोर्ट, इतना ज्यादा सपोर्ट। अभी मैं सेंटेंस बना रहा हूँ माइंड में इंग्लिश के, अभी बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। यू नो इट वॉज लाइक नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, आई एम सो अमेज्ड एंड इट वॉज जस्ट अनएक्सपेक्टेड, आई एम सो मच ब्लेस्ड राइट नाउ। इतनी इंग्लिश थी यार, ये होता नहीं है यार, मतलब माइंड में होता है इंग्लिश के सेंटेंस पर पता नहीं मुंह से निकल नहीं पाते यार, ऐसे ही होता है हमेशा, पर छोड़ो यार। यार मेरे साथ तो बहुत होता है यार, माइंड में मतलब बहुत अच्छे सेंटेंस होते हैं मेरे इंग्लिश के, अच्छे बनाए होते हैं मैंने, पर मुंह से ही निकलते ही नहीं है, मुंह से हग देते हैं हम। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी बिल्कुल डिटो सेम स्टोरी थी मेरे जैसे, तो मतलब मैंने यार ऐसा भी होता है क्या, जितना बोले उतना कम है यार, जितना बोलूं मैं उतना कम है, शब्द कम पड़ गए यार, शब्द कम ने मतलब शब्द नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई लव यू गाइस। ओके तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बंदे ने बहुत खूबसूरत कमेंट किया था, एक बहुत खूबसूरत कमेंट लाइक यू शुड नॉट से गुड बाय इन द एंड, यू शुड से हाय बिकॉज इट्स जस्ट द बिगिनिंग। यार ये नेक्स्ट लेवल थिंकिंग यार, क्या सोच है रे तेरी, वाह मजा आ गया यार। मतलब तो आज लगे हाथों मैं अभिषेक को भी अपना रिजल्ट बता दूंगा। अभिषेक वो जिसके साथ मैं हमेशा रात को वॉक पे जाता हूँ, एंड वो भी एक नीट एस्पिरेंट है, वो अभी 11th क्लास में है एंड उसने आकाश ज्वाइन किया हुआ है। वो तो मतलब बहुत ही, मतलब उसके अंदर तो बहुत ही है क्रैक करने का, बहुत ही जुनून सा होता नहीं है, जुनून सा है, और उसको लगता है कि मैं बहुत, उसके सामने मेरी इमेज ऐसी है ना, मतलब कि मैं अच्छा हूँ पढ़ने में, क्योंकि मेरे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आते थे एंड बोर्ड में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए, एंड उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरे से नीट में कि भैया तो निकाल ही लेंगे नीट, बट अब देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है, उसको मैं आज बता ही दूंगा वॉक के टाइम, देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तूने अपनी नीट की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, अब क्या सीन चल रहा है, अब तू अपनी बाकी की प्रिपरेशन कहाँ से करेगा, यू नो अब ड्रॉप लेना है तो अब कहाँ से प्रिपरेशन करेगा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जब मैं 12th में था तब मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, तब तो मतलब पूरा ही कोरोना के वजह से ऑनलाइन हो गया था सिस्टम, तो मतलब मैंने तब फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, तब अलग सर का, हमारे प्रिय सर का एक नया बैच आया हुआ था, तो वो था हमारा लक्ष्य बैच, जो सबको पता ही है लक्ष्य बैच था, तो मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया, वो भी मैंने एक दो महीने बाद ज्वाइन किया, बट मैंने कवर अप कर लिया था, तो मतलब बहुत सही पढ़ाते थे वहाँ पे, प्लस मैंने यकीन बैच भी ज्वाइन कर लिया था, होती नहीं एक्साइटमेंट की अब बैच ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसा चलता था। मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया आज, तो पूरा मैंने रात के 3 बजे तक पढ़ा, पूरा मतलब पुराने कॉन्सेप्ट बिठाए, ये सब किया, उसके बाद एक हफ्ते बाद वो भी पता नहीं कैसे निकल गया, क्योंकि उसमें मेरे ऐसे टेंशन हो गया थी कि 12th भी पढ़नी है और ऊपर से यकीन में 11th का पढ़ा रहे थे, तो मेरे को हो गया कि यार नहीं यार पहले तो 12th पूरी करनी है ना, फिर बाद में 11th करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा यकीन से मैं थोड़ा अलग होता गया, बट लक्ष्य मैं पूरा फॉलो करता था, पूरा मैंने 12th के एंड तक मैंने लक्ष्य फॉलो किया था, वो अलग बात है कि एंड पे जाकर तो हग ही दिए हम। केमिस्ट्री का कहूँ तो मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स वाला से नहीं पढ़ी हुई थी, मैंने केमिस्ट्री ज़्यादातर मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी, बस मैंने अलग सर के लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे, वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स का था यूट्यूब पे, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो सब उसी पे ही था, पर कुछ चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के जो वहाँ पे नहीं थे, जैसे कि अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसी और ने पढ़ाई थी वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से मैं फिर वहाँ गया अरविंद अरोरा सर के पास, तो उनके नई वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा जो वो वहाँ पढ़ाते ना डिजिटल बोर्ड पे, नहीं यार मतलब डिजिटल बोर्ड पे उनका इतना मजा नहीं आता, मैं सच कहूं तो, वो जब वो पुराना पढ़ाते थे ना, जब वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे तब वो इतना मजा आता था ना, तो मैंने वहीं से ही मतलब फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करी। तो मेरा दोस्त है उसका नाम, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं उसका नाम, वो मतलब मेरा वैसा दोस्त नहीं होते जो साइड में ही बैठते हैं, बिल्कुल हमेशा अपने यार वाले दोस्त होते हैं, तो मेरा वो वाला दोस्त है वो, और स्कूल टॉपर था 12th तक, वो स्कूल टॉपर ही था, तो अभी उसका जो नीट हुआ तो उसके भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए एंड उसने भी अब ड्रॉप कर लिया है, एंड उसने पता है कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, एलन ज्वाइन किया है उसने। मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा, या तो अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या ज्वाइन करूँ, एलन ज्वाइन करूँ क्या, मेरे दोस्त ने भी कर लिया, उनकी वहाँ की शायद 1.something lakh फीस है एक साल की, उसने एक साल का बैच ज्वाइन किया है, मैं सोच रहा हूँ यार यकीन 2.0 ज्वाइन कर लूँ, तो मुझे पता था कि ये दिन आने ही वाला है एंड अब मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ओ भाई बहुत ज़्यादा नोट हैं, ये तो वो नोट्स हैं जो मुझे मिले हैं, उन नोट्स का क्या जो मुझे मिल ही नहीं रहे अभी। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने लास्ट में 1 month में बायो थी 11th की, वो कैसे पढ़ी मैंने, देखो भाई ऐसे पढ़ी मैंने, हमेशा यही होता है, मैं कोई बुक को इतना ज़्यादा पढ़ लेता हूँ उसकी हालत पता नहीं ऐसे हो जाती है, बहुत गंदी हो जाती है।
जैसा मेरा हाई प्रोटीन कंटेंट है वैसे आपको भी हाई प्रोटीन कंटेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए आपको ये खाना चाहिए। चैप्टर कर लिए हैं, खैर वो तो रिवाइज थे तो मैंने एक बार देख लिया है, खैर कुछ ज़्यादा नहीं। और मेरा फेवरेट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। नहीं यार बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है वो, अच्छा मज़ेदार, मतलब टीना मैम ने पढ़ाया था बहुत सही से। दिस इज सात्विक एंड ये फिजिक्स में टॉपर बच्चा है, एंड आप देख सकते हो इसका लुक, स्वैगी लुक, ओ माई गॉड। इसने तो मेरे को वो दे दिया, क्या क्या यू नो क्या कहते हैं उसको, ओ माय गॉड कुछ नहीं। एंड ये हमारा स्कूल है, यहाँ से हम पास आउट हुए थे। यस हम यहीं से पास आउट हुए थे। आपको हरियाली तो बहुत ज़्यादा दिखेगी बट हरियाली अच्छी नहीं है, अंदर की हरियाली इतनी अच्छी नहीं है। अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, एक मग्गा पकड़ा देंगे। कॉल पे तो ऐसा बोला था यू विल बी अवार्डेड, माई गॉड। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर से, एंड यहाँ पे हमारा कीर्ति, इन्होंने फिजिक्स में टॉप किया हुआ है, यहाँ पे हमारे सात्विक अपनी सेल्फी खींचे जा रहे हैं। ऑल डे वो इतना भी भयंकर नहीं था बट क्या करें, और यहाँ पे देखो सेल्फी खींची जा रही है। चल अभिषेक आजा बैठते हैं, आजा अभिषेक। आज मैं तेरे को एक बहुत सीरियसली बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूँ। मेरे नीट में कितने स्कोर आए 2021 में, ठीक है? बताओ। चल सच बताऊँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है? ऑनेस्टली मेरे आए 231 मार्क्स। हेलो क्यों बना रहे सोच, मतलब बना आउट ऑफ 360 तो आपके आए 462। ये आए मेरे, ये मेरे आए बायो में। बायो में, हाँ बायो में, ठीक है बायो में 231 आउट ऑफ 360 है मेरे बायो में। सस्पेंस कर रहे हैं यार, बोलिए बताओ। 180 का केमिस्ट्री था, 180 का फिजिक्स था, हाँ ये भी बोल दो। हाँ यही था, 180 का फिजिक्स था, 180 का केमिस्ट्री था, एंड अब फिजिक्स केमिस्ट्री बताओगे? एंड मैंने दोनों अटेम्प्ट ही नहीं करी। सच में बताओ ना। अरे सच में बताओ भी। अरे सच में, अरे नहीं करी। कितने आए दोनों में बताओ ना? नहीं आए, अटेम्प्ट ही नहीं करी। क्या बोल रहा है? अरे कसम खा के बोल रहा हूँ। चलो चला। अरे अभिषेक रुक जा, बता ही नहीं रहा। अरे एक बार में बता दो ना। सुन सुन अभिषेक सुन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुझसे? अरे अगर मेरे को झूठ बोलना होता तो मैं तेरे को कौन करता है? अरे मैंने किया ना ऐसा? अरे कसम से अभिषेक, मैं किसकी कसम खाऊं? किसकी कसम खाऊं? है माँ कसम खा रहा हूँ, माँ कसम, झूठ क्यों कहूँगा मैं? अरे भैया यार आपने क्रॉस क्रूज कर रखा है। नहीं 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 कुछ क्रॉस नहीं है। अरे मैं झूठ क्यों कहूँगा? अच्छा वीडियो बंद करो पहले बात करो। भाई साहब मतलब अभिषेक को लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब वो लिटरली ऐसे शॉक हो गया था। मतलब वो आधे देर तो मतलब चलता ही रहा, चलता रहा, बोलता रहा आप झूठ बोल रहे हो। उसने मतलब मेरे से बात ही नहीं करी, उसने कहा कि नहीं जब तक आप मुझे सच नहीं बताओगे मैं बात नहीं करूंगा। उसे बहुत बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तब जाकर माना, जब मैंने उसको पूरा अपना फॉर्म दिखाया, अपनी स्कोर दिखाया, शीट दिखाई जिसमें लिखा हुआ था पूरे मार्क्स, तो तब जाकर वो माना। एंड वो इतना डर गया अब कि भाई कि आप मेरे से इतने पढ़ाई में अच्छे थे एंड आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा। मतलब तो मतलब वो बहुत डर गया, मतलब वो डरता रहता है, वो छोटी बातों में डर जाता है, बट मतलब बंदा बहुत अच्छा है वो। सो आई थिंक इट वॉज अ नाइस व्लॉग एंड मज़ा आया। तो जो जो नए आए हैं उनको तो बहुत ही यार रह लेना, रह लेना। कैसा लगा तुम्हें यार मैं, रह लेना थोड़ा। तो गाइज शायद ये एंड करने का वक्त आ गया है, वैसे तो मैं चाहता नहीं कि एंड हो जाए बट क्या करें। आई लव यू गाइज। ओके ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।
ओ हेलो, खत्म नहीं वीडियो। मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया है, से पूरी प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी, बिल्कुल साथ में प्रिपरेशन करेंगे, मिलके कोशिश करेंगे क्रैक करने की, साथ में करेंगे। ओके बाय।